कोजिक एसिड, ट्राइलूमा और टैपी वाइट, बहुत सारी चीज़ अगर आप आपकी स्किन पे लगाते रहोगे लगाते रहोगे लगाते रहोगे तो क्या होगा ना, स्किन ना बहुत पतली हो जाएगी। आपको पता है टैपी वाइट भी एक लिमिट तक ही यूज़ करना है। वो क्यों? अभी आप सोच रहे हो कि टैपी वाइट तो स्किन नहीं निकालती है तो वो अंदर अंदर वर्क करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अंदर से हमारी स्किन को प्रॉब्लम दे रही है, ठीक है, ज़्यादा यूज़ करने से। कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा खाओगे तो वो आपके पेट में गड़बड़ करेगी ना, उसी तरह से डैपी वाइट, अगर कोई भी क्रीम डैपी वाइट हो चाहे दूसरी भी क्रीम हो, तो आप उसको लिमिटेड क्रॉसेस यूज़ करोगे ना कि हाँ थोड़ा ठीक हो गया और तो वो उसके आपको साइड इफेक्ट भी देखने को बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छे उसके साइड इफेक्ट देखने को आपको मिलेंगे। तब आपको पता चलेगा कि आप एक बहुत बड़ी गलती में फंस गए हो, ठीक है। तो इसलिए मुझे ना डैपी वाइट इतना सा लगाने के लिए बोला, तो आप ट्राइलूमा के साथ डैपी वाइट मिलाकर कैसे लगा सकते हो? कितना डेंजर हो जाएगा आपको पता है, और आपको कितनी क्वांटिटी में लगाना है वो, और आपको कब तक लगाना है वो तो आपको डॉक्टर ही सजेस्ट करेगा। मुझे मेरा डॉक्टर जैसे सजेस्ट करता है मैं उसी तरह से चल रही हूँ अभी, तो इसलिए मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन आप वो दो दो चीज़ लगा के आप उसके बाद इतनी एक्सरसाइज इतनी सारी चीज़ आप लगाओगे तो आपकी स्किन का क्या हाल होने वाला है, आप ज़रा सोचो तो, आप खुद सोचो। इसलिए कुछ भी लगा रहे हो ना, सोच समझ कर लगाना, यहाँ देख लिया वहाँ देख लिया, अरे ये सही है वो सही है, नहीं आप मजाक नहीं हो, आपका बॉडी का हिस्सा है वो, भगवान ने दिया है तो उसको दिमाग से थोड़ा यूज़ करके देखो, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी मत यूज़ करो, उसकी क्वांटिटी सबसे पहले पता करो, जो कि डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि आपको कितना लगाना है। ऐसे भर भर के लगाओगे ना तो स्किन हो जाएगी बर्न, जल जाओगे और रह जाओगे धरे के धरे, और डिसीज़ बहुत अच्छा वाला हो जाएगा। इसीलिए सोच समझ कर यूज़ करना, आपको फिर बोल रही हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ, हर वीडियो में।